कांग्रेस में जारी घमासान अब तेज होता जा रहा है। पार्टी पर अपनी तरफ से कब्जा करने के बाद गांधी वाड्रा परिवार ने उन लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिन नेताओं ने सोनिया गांधी की हुकूमत को चुनौती दी। कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा पार्टी के नेता जितिन प्रसाद पर निशाना साधने की आलोचना की है। उन्होंने प्रसाद को निशाना बनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बजाय अपनी ही पार्टी के नेता को निशाना बनाने में मेहनत करनी पड़ रही है। बता दें कि जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। असल में बुधवार को लखीमपुर खीरी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जितिन प्रसाद सहित अन्य नेताओं के सोनिया गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने जाने की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बाद में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष प्रहलोद पटेल ने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी की एक सर्वमान्य नेता हैं। वह लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में पूरा विश्वास रखते हैं। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना की आपात स्थिति और जब सोनिया गांधी अस्वस्थ थी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों पर भी बीजेपी हमला कर रही थी। ऐसे में जितिन प्रसाद सहित वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखकर सोनिया गांधी की कार्यक्षमता पर उंगली उठाई। हस्ताक्षर करना यह दर्शाता है कि इन लोगों की सोनिया गांधी और कांग्रेस में कोई आस्था नहीं है। जो काम बीजेपी कर रही है वही काम इन लोगों ने किया है। निंदा प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जितिन प्रसाद का पारिवारिक इतिहास गांधी परिवार के खिलाफ रहा है। इनके पिता ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़कर इसका सबूत दिया है। इसके बाद भी सोनिया गांधी ने उन्हें लोकसभा का टिकट देकर सांसद और मंत्री बनाया। जितिन प्रसाद का यह कृत्य अनुशासनहीनता है। जिला कांग्रेस कमेटी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।